ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और आज हम रायबरेली के दुंदगढ़ गांव में आए हैं, जहां पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं एक कोचिंग वाला हूं, लेकिन मैं इसको अपना एक दूसरा घर मानता हूं। और यहां से एक बच्ची जिसका नाम साधना पटेल है, नीट में 686 नंबर इनके आ रहे हैं। इनका सिलेक्शन हो रहा है, उसमें इनकी मेहनत तो है ही है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पिताजी कौशल किशोर जी, माँ ओम श्री देवी जी और गांव के प्रधान जी, क्या नाम लिखते हैं इस गांव के प्रधान जी, राम कुमार वर्मा जी, और आप क्या नाम लिखते हैं, मदन पटेल, क्या लगते हैं के? अच्छा, मदन पटेल जी, और जो है आपका क्या नाम है, गीता वर्मा, प्रधान जी की वाइफ गीता वर्मा जी, ये सब लोग हैं घर पर। और इन सब लोगों के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, इन सब के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, आ जाए, ठीक है, इन सब के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, बैठिए बैठिए बैठिए, आपके गांव की ये बच्ची है प्रधान जी, ये बच्ची निकल रही है, इसमें बच्ची का मेहनत तो है ही है ही है, लेकिन मैं साथ साथ इनके पिताजी का मेहनत को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनके पिताजी ने जितनी मेहनत किया है प्रधान जी, उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। आप तो आपके गांव के हैं, आपके घर के हैं, आप इनको जानते होंगे, लेकिन बाहर भी किस तरीके से आदमी जा करके डायरेक्ट जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, इसको बता नहीं सकते हैं। मैं ये कहने आया हूँ इस गांव में आज कि मैं इनको अपने पिताजी की तरीके से मानता हूँ। और ये बच्ची सेलेक्ट हुई है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये बच्ची MBBS करे, PG करे, जितने जिस स्तर की ज़रूरत होगी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग जिस तरीके से हैं, आप लोगों का जो व्यवहार है, जो तरीका है, जो आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, वो बहुत बहुत अलग ढंग का है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग से निकलते हैं, बहुत सारे गांव में गए हैं, लेकिन इस तरीके का, जिस तरीके से आप लोग मिले हमसे, जो सम्मान दिए, और ये जिस तरीके से बिटिया का संस्कार है या आपका है, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो बच्ची सेलेक्ट हुई है, इसके लिए आप सबको तो ढेर सारी बधाई है ही है, ढेर सारी शुभकामनाएँ तो है ही हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके पिताजी से दो शब्द आप भी बताएँ कि आपने कैसे ही हिम्मत जुटाया कि इस बच्ची को हम आगे बढ़ाएं और लगातार ये मेहनत करती रहे। सर, इनकी पढ़ाई शुरू से बढ़िया थी, तो हमने सोचा कि मतलब इनको मेहनत कराया जाए जी, तो हमने इनको मेहनत कराना शुरू किया, अच्छा रिजल्ट आया। तो सर, आप सरकारी नौकरी में तो थे नहीं? नहीं सर, खेती करते हैं, खेती करके इनको हम, ये अंदर से क्षमता थी कि नहीं बच्चों को पढ़ाना है? जी, बस केवल यही है कि हमको बच्चों को पढ़ाना है। जी, एक ध्येय के साथ आप चले? जी सर। अभी कैसा लग रहा है, साधना डॉक्टर हो गई है? सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपने जो देखा था सपना वो पूरा हो रहा है? जी सर, जी जी जी। अच्छा, ठीक है, हम साधना की मम्मी से बात करना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिटिया डॉक्टर बन गई है। बिटिया डॉक्टर बनी है, लेकिन तुमसे कुछ चीज पूछना ये चाहता हूँ। जब नीट का पेपर देने गई, तो नीट का पेपर देखते ही तुम्हें कैसा लगा? सर, जैसे कि टेस्ट यहाँ पे देते थे, तो पेपर देखा, पहले तो 5 मिनट पेपर देखा, मतलब पहले फिजिक्स देखा, सब मतलब लग रहा था कि हाँ सब सही है। उसके बाद केमिस्ट्री देखा, वो भी सब सही। उसके बाद फिर बायो, फिर देख के लग गया था कि अच्छा कर लेंगे, मतलब अगर पेपर ढंग से कर लेंगे, बीच में घबराएंगे नहीं, तो एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। ये लगा था कि अगर तो कोई कमी नहीं है, बस उस समय की बात है जब हम वो पेपर दे रहा था, वो 2 से 5 उसका रिदम क्या था वो मेंटेन नहीं हो पाया, या फिर थोड़ी बहुत ये सब हो सकती है, थोड़ा बहुत लग, उस दिन की बात है थोड़ा बहुत। बाकी अगर 5-10 नंबर से किसी का रुक रहा है, तो हमें नहीं लगता उसे क्विट करना चाहिए, उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर रुक रहा है तो उसके साथ बहुत अच्छा होगा सर।
कि सिर्फ 650 नंबर आएंगे और साधना के 686 नंबर आए हैं, तो कई बार सरस्वती देवी पर जिह्वा पर होती हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने जब ये बोला है कि इनका बेटा भी डॉक्टर बनेगा तो ज़रूर से ज़रूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रधान जी से, इनके गांव के जो प्रधान जी हैं, दो शब्द आप ही इस बच्ची के बधाई के बारे में कुछ कहें। सर जी, आज से नहीं जब भी बेटी स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, भले पटेल अपने मिले इसके पद, हमारी आत्मा बड़ी बहुत ही खुश थी। एक बार हमारे यहाँ माननीय जिला अधिकारिया जी आई थी, इस लड़की ने दो शब्द हमसे कहा, बेटी है, भतीजी मेरी है, हमको इतना प्यारा लगा, इसकी शौक डीएम बनने की थी, बोले आप सबके आशीर्वाद थे बिटिया, डॉक्टर महान डॉक्टर, हमारी आत्मा बहुत गदगद। जिस दिन से हमने सुना है, खुशी के आंसू हमारे आज भी हैं और आज भी बह रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और देखिए क्या भावुकता होती है जब एक बच्चा अच्छा करता है। मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि जो बच्चे भी इसको वीडियो को देखें वो शेयर जरूर करें, और हर बच्चा इस बात को जरूर माने कि माँ बाप के मन में कितनी कसक होती है अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए। हम चाहेंगे आप भी दो शब्द कुछ कहें बच्ची के लिए। सर, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आर्थिक स्थिति गांव में बहुत कमज़ोर होती है, उसको देखते हुए हमारे परिवार से जो मेहनत की गई है, हमारे पापा जी मेहनत किए हैं और ये हमारी बुआ लगती हैं, पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोग बहुत इच्छा कर रहे हैं कि ऊँचाई हमें मिले, बुलंदियाँ मिले, इसके लिए हम अपनी बुआ जी को बधाई देते हैं। नमस्ते सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए सब लोग कितने खुश हैं, साधना सिलेक्शन से देख रही हो तुम, कितने खुश हैं। हम चाहेंगे प्रधान जी की वाइफ भी है यहाँ, ये भी दो शब्द कुछ कहें बेटी के लिए। सबसे पहले मैं इस बिटिया को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, इतनी मेहनत, और उससे भी पहले मैं चाचा जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो साहस, जो मेहनत दिखाई है आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए, अपना धैर्य कायम रखते हुए, तो वो भी इस चीज़ के लिए बधाई के पात्र हैं। और धन्यवाद। और इसके बाद में बिटिया ने जो मेहनत की है, जो साहस जुटाए रखा, उसके लिए इनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत ऊंचाइयों तक जाए, और हमारे गांव का, हमारे समाज का, अपने घर का और माँ बाप का तो नाम रोशन करेगी ही, लेकिन हम सब का नाम रोशन होगा, इसके लिए बहुत बहुत बिटिया का धन्यवाद। देखिए प्रधान जी की वाइफ थी, कितना खूबसूरत इन्होंने अपनी बात को कितनी खूबसूरत ढंग से रखा है। और इन्होंने के पिताजी के लिए बोला कि जिस त्याग, जिस तपस्या के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस लगन के साथ काम किया है, वाकई काबिले तारीफ है। और ये हम ही नहीं, सभी लोग कह रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और हम चाहेंगे साधना की बहन हैं वो भी कुछ दो शब्द बोलें। हमारी छोटी बहन को बहुत बहुत बधाई हो, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो सहयोग था वो हमारे पापा का था और पूरे परिवार का भी था। पापा को ही सब लोग बोल रहे हैं, हम लेकिन जोड़ेंगे मम्मी का सहयोग बहुत ज़्यादा था। आप अकेले सहयोग मत लीजिए, आप कैसे कर पाते अगर वो साथ नहीं देती आपका, तो आप बताइए, अगर आपका साथ वो नहीं देती तो आप कर पाते? नहीं कर पाते सर। ये बात हम सही बोल रहे हैं? देखिए ये कहने वाली बात नहीं है, अगर ये घर में अंदर सही माहौल ना बनाए रखती तो क्या आप कर पाते सही हो? नहीं सर, ना कर पाते। सही सर, अगर इनका सहयोग ना होता ना कर पाते। विकास इनके छोटे भाई हैं, ये भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये अपनी दीदी की सिलेक्शन से कितना खुश हैं बताएं। मेरा नाम विकास पटेल है, मेरे इस बार नीट में 615 मार्क्स है। मैं क्लास 11 में पढ़ता था, दीदी जुटर इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, और पापा कोविड लॉकडाउन आ गया तो पापा ने बोला तुम भी वहीं, पहले मैंने क्लास 11th में मैथ्स ली 6 महीने, लेकिन पापा ने बोला कि दीदी के साथ तुम भी वहीं चले जाओ, तो हम भी जुटर इंस्टीट्यूट में गए और अपनी पढ़ाई की। तो
अभी मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मेहनत रहेगी और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है हम भी डॉक्टर बन जाए। थैंक यू। जरूर बनोगे विकास बेटा, जरूर बनोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपकी इसी घर में कह के जा रहा हूँ, और अब मैं दोबारा तब आऊँगा जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप MBBS डॉक्टर बनोगे तभी अब हम आएंगे। इस बीच हम बता रहे हैं, और पक्का डॉक्टर बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है। जितने लोग भी देख रहे हैं, देखें कितनी खुशहाली होती है परिवार में एक बच्चा जब निकल जाता है। मेरा सभी बच्चों से बहुत अनुरोध है कि अपने अपने गार्जियन को खुशी देने की पूरी कोशिश करिए। गार्जियन कितने खुश होते हैं उसको बता नहीं सकते हैं। हर गार्जियन के मन में कितनी तमन्ना होती है कि कोई बच्चा कितना आगे बढ़ जाए। हर माँ बाप, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग कितना चाहते हैं कि एक बच्चा निकलने पर कितने खुश होते हैं। आज यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और हर के मन में खुशी है। ये केवल बोलने वाली खुशी नहीं है कि हम माइक पर बोल दे रहे हैं हो जा रहा है, नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, हर लोग खुश हैं। तो इस नाते जो बच्चे थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं उनसे मेरा यही कहना है, कुछ भी हो जाए भटकाव नहीं होना चाहिए, अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा रहना चाहिए। इस नाते आप सब लोग मेहनत करिए और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हाँ हाँ, आकाश छोटे भाई हैं ये भी, आकाश ये भी दो शब्द बोलें दीदी के लिए, यहाँ आ जाओ। हम सोचते हैं कि दीदी डॉक्टर बने और हमें पैसे दें क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, यही सोचते हैं कि दीदी हमको स्कॉर्पियो लेकर दें। दीदी स्कॉर्पियो लेके पक्का देंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधना ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी है। अरे सर वो अभी दिमाग लगा लगा के कमाना है। नहीं ठीक है, अच्छा कमाना है, छोटा भाई है सर। बच्चा घर से निकलता है मेरे हिसाब से तो दूसरे बच्चे को प्रेरणा मिलती है, एकदम बात आपसे। तो इसके लिए जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इनको आकाश को हम लोगों की तरफ से बहुत सारी बधाइयां विकास को, और इनको प्रेरणा दीदी से लेनी चाहिए कि आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। दीदी ने कैसे ऊंचाई और ऊपर नीचे जा कर के देखा है, ऊंचाइयों पे गई फिर नीचे आई, तो इससे इनको प्रेरणा लेनी है और आगे बढ़ना है और डॉक्टर बन के दिखाना है, क्योंकि हम लोगों को फिर भी फिर ये अवसर मिले कि हम लोग माइक पे बोले। मिलेगा, खूब मिलेगा, खूब मिलेगा। और ये हाँ आ जाए, दादी हैं, आइए, प्रणाम प्रणाम, बैठने कुर्सी भी लगाओ, कुर्सी लगाओ, हाँ आओ, आइए दादी जी आइए, साथ में बैठाओ, तुम साथ में इधर हो जाओ। आवाज के पापा। अच्छा 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 ठीक, हाँ बैठो बैठो, साथ में बैठ जाओ। साधना की दादी हैं और साधना के सफल होने पर साधना की दादी कितना खुश हैं। आपकी पोती डॉक्टर बन गई, बात पता है ये? अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। हाँ आप ही के आशीर्वाद से हुई है? हाँ हाँ हाँ। आप अगर आशीर्वाद ना देती तो कैसे होती? हाँ कैसे होती, आगे भी आशीर्वाद रहेगा? हाँ रहेगा। सबसे ज्यादा भाई देखिए घर में दादी सबसे बुजुर्ग, इन्हीं सबके आशीर्वाद से सब हो पाता है, सारी चीजें हो पाती हैं। एक बच्ची कोई ये कौन है? छोटी बहन लगती है हमारी सर, हम कुछ नहीं खाते हैं, वो बना बना खिलाती है, खिलाती है। क्या बोलो, तुमने साधना को बहुत बना के खिलाया है, डॉक्टर बन गई है, बताओ क्या कहोगी? आओ। मेरी दीदी को NEET MBBS में सिलेक्शन होने की बहुत बहुत बधाई, और साथ में चाचा का और मेरी चाची का बहुत ज़्यादा ही मेहनत इसमें लगी है, ये कि दीदी हमारी कहाँ रही हैं कैसे रही हैं ये उन्हीं को पता है, इसके बारे में कोई जान नहीं सकता। और बस यही एक आखिरी उम्मीद है कि मेरी दीदी को कॉलेज कोई अच्छा सा मिल जाए। पिछली बार इसी की वजह से मेरी दीदी का रुक गया, NEET MBBS में पिछली बार ही मेरी दीदी का सिलेक्शन हो गया था। बस यही उम्मीद है कि अच्छा सा कॉलेज पास में मिल जाए। थैंक यू सर। देखिए छोटी बहन है, कहते कहते लग रहा रो देगी, और क्या ही बताएं। फिर से मैं यही कहूँगा, जितने भी बच्चे हैं सब बहुत मेहनत करिए भाई, एक बच्चे के सिलेक्शन से क्या माहौल होता, कितना बदल जाता है, कितना अच्छा लगता है, उसके बारे में बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा, जिससे इस परिवार के ऐसे परिवार के लोग जो हैं वो आगे आए और बढ़ने की कोशिश करें। हमारे साथ में क्या नाम लिखते हैं? हाँ मामा जी, साधना के मामा हैं। तो हम चाहेंगे कि दो शब्द आप भी कुछ कहिए साधना के सिलेक्शन पर। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे कुर्सी लेके आगे आ जाइए। बहुत अच्छा भाई, इन्होंने जो ये उपलब्धि प्राप्त की है ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इनकी वजह से क्षेत्र में कई लोग
प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर, क्यों नहीं, हाँ प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है वो लोग भी कामयाब हो जाएं। नहीं जरूर होंगे, हाँ तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम चाहते हैं कि दिनों दिन इनकी उन्नति होती रहे। हाँ बहुत बढ़िया है। ये साधना के मामा जी थे, यहाँ आ करके जो फीलिंग हमें आई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी ऐसे ही परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पर छोटी छोटी खुशियाँ हम लोगों के लिए कितना मायने रखती हैं, और ये तो बहुत बड़ी खुशी है, इससे बड़ी तो खुशी कोई हो नहीं सकती है। हर गार्जियन चाहे वो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो और चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, सब लोग ये चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने, और साधना डॉक्टर बन रही हैं, ये हम सब के लिए और समस्त यहाँ के जो ग्रामीणवासी हैं सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें लगता है सब लोग जान पाए होते तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती, और बहुत बहुत मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं फिर से यही कहूँगा बिटिया तुम आगे बढ़ती रहना, अब हम आपके टीचर तो है ही हैं, साथ साथ आपके बड़े भाई की हैसियत से हमेशा जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू।